दोस्तों ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस ने कुछ स्टॉक्स पर अपनी रेटिंग जारी की है और कुछ शेयरों के टारगेट में बदलाव किया है। इन स्टॉक्स में बजाज फिनसर्व है, एमेंडम है, डॉक्टर लाल पाथ लैब है, निपॉन लाइफ एएमसी है और वेदांता शेयर शामिल है। दोस्तों ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते घरेलू शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। इस बीच अर्निंग सीजन के साथ साथ इंडस्ट्री और कॉरपोरेट डेवलपमेंट के दम पर कई शेयर आकर्षक नजर आ रहे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज ने कुछ स्टॉक्स पर अपनी रेटिंग जारी की है और कुछ शेयरों के टारगेट में बदलाव भी किया है। इन स्टॉक्स में बजाज फिनसर्व, एमेंडम, डॉक्टर लाल पाथ लैब, निपॉन लाइफ एएमसी और वेदांता शेयर शामिल हैं। दोस्तों ग्लोबल ब्रोकरेज नोम्यूरा ने बजाज फिनसर्व पर रेटिंग रिड्यूस से अपग्रेड कर न्यूट्रल की है। साथ ही प्रति शेयर टारगेट प्राइस 14,250 रुपए का दिया है। 28 जुलाई 2022 को स्टॉक का रेट 14,642 रुपए पर बंद हुआ था। दोस्तों ग्लोबल ब्रोकरेज नोम्यूरा ने एमेंडम पर खरीदने की सलाह दी है। प्रति शेयर टारगेट प्राइस 1308 रुपए दिया है और 28 जुलाई 2022 को स्टॉक का रेट 1149 रुपए पर बंद हुआ था। दोस्तों ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने भी डॉक्टर लाल पाथ लैब पर इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है। प्रति शेयर टारगेट प्राइस 2214 रुपए का दिया है। 28 जुलाई 2022 को स्टॉक का रेट 2144 रुपए पर बंद हुआ था। दोस्तों ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने भी निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी पर बाई की रेटिंग बनाए रखी है। प्रति शेयर टारगेट प्राइस 365 रुपए का दिया है। 28 जुलाई 2022 को स्टॉक का रेट 290 रुपए पर बंद हुआ था। दोस्तों ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने वेदांता पर ओवरवेट की रेटिंग दी है। साथ ही प्रति शेयर टारगेट प्राइस 490 रुपए से घटाकर 400 रुपए कर दिया है। साथ ही साथ सिटी एक्सपर्ट ने भी स्टॉक पर सेल करने की राय दी है। प्रति शेयर टारगेट प्राइस 190 रुपए रखा है। 28 जुलाई 2022 को स्टॉक का रेट 246 रुपए पर बंद हुआ था। तो दोस्तों ये थे टेक्सटाइल सेक्टर के कुछ शेयर जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये न्यूज़ समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली न्यू वीडियोज़ अपडेट करता हूँ, डेली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। शेयर मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।